मंत्री श्री कन्हुभाई देसाई के आवास पर स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की शुरुआत। वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री श्री कन्हुभाई देसाई के वापिस स्थित आवास पर स्मार्ट मीटर स्थापना का उद्घाटन उनकी पत्नी ने किया। यह पहल स्मार्ट मीटर स्मार्ट स्टार्ट कार्यक्रम के तहत की गई, जिसमें मंत्री ने लोगों से मुफ्त में स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की थी। मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत को दिन प्रतिदिन जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी और उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल की लागत धारणाओं से बचना चाहिए। ये मीटर बिजली खपत की सटीक जानकारी देते हैं और अधिक फायदेमंद होते हैं। उन्होंने वन नेशन वन ग्रिड दृष्टिकोण के तहत देश के समान बिजली आपूर्ति की दिशा में गुजरात की प्रगति को रेखांकित किया है। वीआईए के अध्यक्ष सतीश पटेल, डीजीवीसीएल के प्रबंध निदेशक योगेश चौधरी और जेटको के प्रबंधक निदेशक उपेंद्र पांडे शीर्ष अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। रीडिंग कम के वधारे लिखा हुई थी। હવે એ આ આવાથી મીટર રીડર ના જે 60 દિવસ ની સાયકલ હોય તો બહુ ફાસ્ટ ફરે છે ને માલિકા જ્યારે એનો મહિનો પત્યું તો પછી આવે કે સાહેબ મહિનાનો લાસ્ટ યર પણ 3000 છે કન્ઝ્યુમર્સ ના પણ ઘરે લગાવે પણ ચાલે આ પેપર માં પણ આવી અમે બધો એ અસાડ માં લગાવો છો વાપી માં લગાવો છો તો મારા ઘરે આવીને લગાવો અમે એક રોજ આપને સ્માર્ટ મીટર લાગશે જ્યોતિ ગ્રામ યોજના એ ગામ ગામ બિજલી અને ટીમોને એક્સપર્ટ તરીકે બીજા રાજ્યમાં બોલાવે છે ઘણા રાજ્ય એવા છે કન્ટ્રીમાં જ્યાં અત્યાર સુધીમાં પણ ગામડાઓમાં વીજળીનું કનેક્શન જ નથી પણ એ આપણી એટલે જ્યારે શરૂઆત થઈ ડિસ્કોમ સારી કન્ડિશનમાં હતી આ છેલ્લા 7-8 વર્ષથી ગુજરાત પાવર લાઇન્સ લઈ આવવાની આરઓડબ્લ્યુ स्मार्ट मीटर जो एक आरडीएफ स्कीम का भाग है, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से स्कीम है और पूरी कंट्री में इसमें 3 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च होने वाला है, जो डिस्कॉम्स की एक पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। गुजरात की बहुत अच्छी बात यह है कि पहले माननीय वड़ा प्रधान के नेतृत्व आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उसके समय से और अभी के समय में माननीय मंत्री श्री कन्हुभाई देसाई साहब के नेतृत्व में गुजरात की डिस्कॉम्स बहुत अच्छी तरीके से पावर सप्लाई करती हैं, एक नुकसान में नहीं है और अच्छे तरीके से पावर कनेक्शन होते हैं और उसी को इम्प्रूव करने के लिए आरडीएफ के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पावर की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। दक्षिण गुजरात में अगर आप देखेंगे तो भरूच के लेके वापी तक उमरगाम तक हर टाउन के एरिया को अंडरग्राउंड कर रहे हैं, जहाँ पे खुले वायर हैं उनको कवर्ड कंडक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ कोस्टल एरिया है वहाँ पे बड़े पैमाने पे अंडरग्राउंड कर रहे हैं केवल उसके ताकि जो साइक्लोन या मिनी साइक्लोन जैसा भी इम्पैक्ट आए तो पावर सप्लाई करें। इसी स्कीम का दूसरा भाग ये है कि जो मीटरिंग बिलिंग और कलेक्शन है वो नई टेक्नोलॉजी से अच्छे मीटर से और एक्यूरेटली होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की डिमांड फोरकास्टिंग है वो और एक्यूरेट हो सके, कंज्यूमर अपना रेगुलर कंजम्पशन ट्रैक कर सके, बिजली का जो वेस्ट होता है उसको बचा सके, उसके लिए स्मार्ट मीटर उसका एक भाग है। जैसा आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको डेमोन्स्ट्रेशन से भी बताया कि स्मार्ट मीटर और रेगुलर मीटर जो पहले का मीटर है दोनों टेक्नोलॉजी वाइज इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वाइज पैकेज मीटर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो इसमें कंपोनेंट लगे हैं वही उसी में कंपोनेंट लगे हैं, जो पुराने मीटर की एक्यूरेसी है वही स्मार्ट मीटर की एक्यूरेसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर एक कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है जो हर 15 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन देता है कि इस 15 मिनट के अंदर कितना कंजम्पशन हुआ। इसका बेनिफिट कंज्यूमर को ये मिलता है कि वो अपना कंजम्पशन ट्रैक कर सकता है। जो सोलर कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बायडायरेक्शनल मीटर है, सोलर पैनल लगाते हैं तो मीटर बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी बायडायरेक्शनल मोड में शिफ्ट करना पड़ता है और उसमें वो अपना एक्सपोर्ट भी देख सकते हैं कि रोज कितना जनरेशन हो रहा है। अगर उनको लगता है कि जनरेशन कम हो रहा है तो अपने पैनल को क्लीन करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव करके अपना जनरेशन बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो अपने डिमांड की फोरकास्टिंग अच्छे से कर सकती है और जो लोग ईमानदारी से बिल पे करते हैं उनकी इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। जो लोग इसे छेड़छाड़ करके उसको डिले करने का प्रयास करते हैं आज की इस तरीके के कोर्स निकलते हैं उनके लिए बिल्कुल ये चिंता का विषय होगा कि उनके टेम्परेरी कोर्स तुरंत आ जाता है। मीटर ने छेड़छाड़ किया तो उसका ऑटोमेटिकली रिपोर्ट आता है कि इस मीटर में छेड़छाड़ हुआ है तो हमारी लेकिन जो कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है उसकी कोई इश्यू नहीं है। पहले भी प्रीपेड मोड पोस्टपेड मोड में था, 2 महीने की साइकिल पर रेजिडेंशियल कंज्यूमर को मिल जाता था, अभी भी 2 महीने की साइकिल मिल जाएगा। पहले भी 10 दिन मिलते थे पेमेंट करने के लिए 15 दिन के ग्रेस पीरियड के साथ में, अभी भी 10 दिन मिलेंगे 15 दिन के ग्रेस पीरियड के साथ में। अगर आपकी इच्छा है कि आप प्रीपेड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से इसके अंदर पॉजिटिव बैलेंस रखेंगे महीने पर तो आपको 2% का टोटल रिबेट मिलेगा आपके बिल के अंदर।